ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर किया प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ झूठी शिकायतें करके परेशान करने का लगाया आरोप। पुलिस कांस्टेबल की धर्मपत्नी ने जिला कलेक्टर जयपुर से मामले की निष्पक्ष कराने की गुहार। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल के मकान में विद्युत व पानी का कनेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकरण में जिला कलेक्टर जयपुर उपखंड अधिकारी चोमू एवं सहायक पुलिस उपायुक्त चोमू को अवगत कराने के भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खेजरोली के मुंडरू रोड स्थित पीलिया की ढाणी का है मामला और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रोटी कपड़ा और मकान, इनके लिए मनुष्य दिन भर मेहनत करता है लेकिन कई बार इनकी जहां में ठगी का शिकार भी हो जाता है। मामला राजधानी जिले के जयपुर जिले के स्थित ग्राम पंचायत खेजरोली के मुंडरू रोड स्थित पीलिया की ढाणी का है जहां एक युवक पुलिस कांस्टेबल द्वारा सिंह जाट घर बनाने की चाह में ठगी का शिकार हो गया जो अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इतना ही नहीं, अपनों से ही जमीन खरीदना इतना भारी पड़ गया कि अब पीड़ित के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि उसने राधा देवी से 23 अप्रैल 2021 को 8 लाख में खातेदारी जमीन खरीदी थी। जमीन को धोखाधड़ी कर बैंक का लोन रहते रजिस्ट्री करवा दी गई। इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित द्वारा सिंह का समर्थन किया है और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। 2020 को जरिए करारनामा से ये 8 एयर जगह ली थी, फिर मैंने 23/4/2021 को रजिस्ट्री करवा ली विक्रय पत्र, उस आधार पर मैंने कब्जा ले लिया, मकान निर्माण हो गया। उसके बीच में फिर इन्होंने फसाई की और लालच आ गया इनके मन में, 8 लाख और मांग करने लग गए, बीच में मकान विरोध करने लग गए, आ गए इनमें 10-15 सदस्य हैं। मैंने रजिस्ट्री की ओरिजिनल प्रति में देखा तो इसमें लोन वोन था, तो मैंने इस संबंध में गोविंदगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया, मुझे पता चला तो लोन है। इसमें उनको चार्जशीट पेश हुई और जैसी भी हुई थी, अब उसी का बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, इधर उधर फंसा रहे हैं और चम्मू थाने में इसी संबंध में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। और मैंने मेरी FIR में मुझे धमकी दी थी, पहले भी मैंने FIR में दर्ज कराया कि ये मुझे नौकरी से उतराने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं। मैंने पहले भी इसमें कह रखा है, इन्वेस्ट कह रखा है और ढंग से कह रखा है उनको, और फिर ये फंसाने के लिए घूम वहाँ पे आए, एक तरह के इनका ही वकील रजिस्ट्री कराने वाला, और यही मैं गया था रजिस्ट्री कराने, एंड टाइम पे मुझे बुलाया था, इन्होंने रजिस्ट्री बिल्कुल तैयार करके रखी। मैंने हो गए मकान में रहते हैं, पानी की भी दिक्कत आ रही है, लाइट की दिक्कत आ रही है, प्रशासन के पास जाते हैं तो चोम वाले को ऐसे बोलते हैं, चाय कचोरी वाले को जानते हैं हम, चौकी में गोविंदगढ़ जाओ, खां खेजोली जाओ, चोम गए हम 20 लोकल, तो ऐसे बोला चाय कचोरी वाले को जानते हैं हम कैसे हैं, सफ़ेद बाल वालों को जानते हैं, काले वालों को भी जानते हैं, पर एक युवा के साथ नाइंसाफी भी हो रही है सर, ये न्याय चाहिए प्रशासन से।